सबसे पहले सीखते हैं इस वर्ड को प्रोनाउंस करने का सही तरीका। तो ये बताओ आप इस वर्ड को क्या बोलते हो? तो जो सही तरीका इस वर्ड को प्रोनाउंस करने का वो है आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोनी, आइकोनोक्लास्ट, और आइकोनोक्लास्ट नाउन है। अब इस वर्ड को समझने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, कोई ऐसा शब्द जो बताता है किसी चीज का नाम। अब देखते हैं आइकोनोक्लास्ट के मतलब। तो आइकोनोक्लास्ट के तीन मतलब होते हैं। सबसे पहला आइकोनोक्लास्ट मैं नाम देता हूँ उस पर्सन को जो डिस्ट्रॉय करता है रिलीजियस इमेजेस और आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स यानी जिन्हें हम मानते हैं, जैसे भगवान की मूर्तियाँ, इमेजेस, सिंबल्स, या आइकन कोई इंसान भी हो सकता है जिसे हम मानते हैं, जैसे महात्मा गांधी। अब कोई इंसान आपके आइकन को तोड़े, उनकी इमेज को डैमेज करे, तो उस पर्सन को नाम देते हैं, बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। और दूसरा आइकोनोक्लास्ट हम बोलते हैं उसे जो नहीं मानता, तोड़ता है उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों को जिनको सब मानते हैं। और तीसरा आइकोनोक्लास्ट हम उसे भी बोलते हैं जो हटाता है समाज से पुराने विचारों और कुरीतियों को। तो आइकोनोक्लास्ट के हमने तीन मतलब देखे। पहला जो कि नेगेटिव है, जो तोड़ता है मूर्तियों को। दूसरा जो कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है, जो नहीं मानता रीति रिवाजों और परंपराओं को। और तीसरा जो कि पॉजिटिव है, जो हटाता है समाज से पुराने विचारों और कुरीतियों को। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखना। ही वॉज एन आइकोनोक्लास्ट हु रिफ्यूज टू बी बाउंड बाय ट्रांडिशन। वो एक आइकोनोक्लास्ट था, उसने परंपराओं से बंधे रहने से मना कर दिया। नेक्स्ट, द ऑथर हु वाज एन आइकोनोक्लास्ट वाज फार अहेड ऑफ हर टाइम्स। तो लेखिका आइकोनोक्लास्ट थी, जो कि अपने टाइम से काफी आगे थी। नेक्स्ट, बिकॉज माई नेबर डज नॉट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, आई कंसिडर हर टू बी एन आइकोनोक्लास्ट। तो मैं मानता हूँ वह एक आइकोनोक्लास्ट है, क्योंकि वह नहीं मानती शादी के कंसेप्ट को। अब यहाँ पे देखते हैं जो रूट यूज हुए। आइकन, आइकन हमने देखा, आइकन यानी इमेज, सिंबल, या कोई चीज जिसे हम मानते हैं। और यहाँ पे ओ का मतलब होता ऑफ, और फिर क्लास्ट, क्लास्ट यानी ब्रेकर। सो ब्रेकर ऑफ आइकन इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। और इस क्लास से ही हमारे एक टर्म होती है बायो की, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो यानी बोन और क्लास्ट यानी टूटना। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में हमें जुड़ा दिखता है IST या फिर AST, तो वो हमारा नाउन होता है, और ये दिखाता है किसी पर्सन के बारे में, जैसे जिमनास्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल IMP वोकैबुलरी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी वोकैब के साथ। धन्यवाद।